तो गाइस सेलिब्रिटी फेसबुक शॉप पे आ रहे हैं एमटीवी रोडीज 19 के विनर वासु जैन। एक बार क्लैप कर देंगे एवरीवन, सब लोग क्लैप करते रहिए। वासु आ चुके हैं, कीप क्लैपिंग एवरीवन फॉर वासु, एमटीवी रोडीज सीजन 19 विनर, द रॉक स्टार। एक बार और वेलकम कर देंगे क्लैप करते हुए गाइस। वासु ये पूछना चाहेंगे कैसा लगा आपको सेलिब्रिटी फेस में आके? यार माइक माइक ओके ओके, काफी मजे आने वाले लग रहा है मुझे, अनएक्सपेक्टेड था इतने सारे लोग आने वाले हैं। सो यार सबके साथ मिलके, मतलब आज मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने किया यार रोडीज में, मतलब कुछ तो करके आया, कुछ हासिल किया हूँ आज। और सेलिब्रिटी फेस में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ तक पहुँचने की, कि उन्होंने मुझे यहाँ पर एज अ गेस्ट इन्वाइट किया और आप सब मुझसे मिलने आए। यार काफी मजे आने वाले, काफी खुशी हो रही है। एक बार क्लैप कर देंगे वासु के लिए गाइस। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। ओए गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आज का प्लान जैसा मैंने बताया, दिस एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी फेस वर्कशॉप विद एमटीवी रोडीज 19 विनर वासु जैन। और वासु यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए हैं पूरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से हैं, ये भी आपकी तरह रोडीज बनना चाहते हैं। पहले तो वासु हमें ये जानना आपकी एज कितनी है। मैं 22 का हूँ, जस्ट अभी 23 होने वाले इसी मंथ में। सो गाइस ही इज यंग लाइक यू गाइस ओनली। एंड वासु ये जानना चाहेंगे, जैसे सारे बच्चे हैं ये भी आपकी तरह, आई मीन 20-22 के सारे एज के हैं, ये अपनी जर्नी कैसे शुरुआत करे, कैसे ये रोडीज में जा सकते हैं, एमटीवी में अपनी एक अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं, ये बताइए। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि रोडीज देखा है सबने? ऑलमोस्ट आई थिंक सभी ने देखा है ना? तो किसका किसका सपना है रोडीज जाना? हाथ ऊपर करो गाइस। ऑलमोस्ट सभी का सपना है कि रोडीज करना है, बहुत टाइम से देखा है। मेरे साथ भी ऐसे ही था कि यार बहुत टाइम से रोडीज देख रहा था। मैंने स्टार्ट किया था प्रिंस भाई का सीजन देखने से, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द यू ऑल सबने प्रिंस भाई के सीजन से ही स्टार्ट किया था देखना, कि प्रिंस भाई आए उसके बाद से रोडीज का अलग क्रेज बढ़ा। अब उनको देख के मेरे दिमाग में भी आया कि मुझे रोडीज करना है, रोडीज करना है। मैं करने लग गया तैयारी, तो मुझे लगा सिर्फ फिटनेस 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 दिख रहा था स्टार्टिंग में, मैंने फिटनेस पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया। अब फिटनेस पे वर्क करते करते धीरे धीरे जब मैं और देख रहा हूँ ऑडिशन में लोगों को ग्राइंड करते हैं, वहाँ उनकी अच्छे से बजाई जाती है, अब मैंने सोचा अगर कोई मुझसे लड़ लिया या कुछ कर लिया, कोई बहस कर लिया, तो अपने नेगेटिव पॉइंट्स को फाइंड करो और उन पे वर्क करना स्टार्ट करो कि क्या मेरे में नेगेटिव है, कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जिससे मैं रिजेक्ट हो सकता हूँ। अब मेरे साथ क्या हुआ, मैंने इसके पहले 2 बार और ट्राई किया, ये मेरा 3rd बार था कि जब मेरा हो गया फाइनली। एंड मैंने हमेशा से एक चीज़ सोच के रखा था, अगर रोडीज में जाऊँगा तो सिर्फ जीतना है, ऐसा नहीं कि मुझे हाफ जर्नी जीनी है या मुझे इस स्टेज तक जाना है, मुझे लास्ट वोट आउट तक सर्वाइव करना है। हमेशा से एक ही चीज़ था कि जीतना है, मतलब आप अगर किसी चीज़ को बहुत दिल से मैनिफेस्ट करते हो ना, वो चीज़ होती है, और उसके लिए अगर आप मेहनत जीत जान लगा के करते हो तो वो पूरी होती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसी हुआ, फिर मैंने अपने आपको हर चीज़ में वर्क किया, अपनी खामियाँ पे देखा। मैंने 2 साल जब ट्राई किया, मुझे पता चल रहा था कि मेरा GD1 भी क्लियर नहीं हो रहा। GD1 जो कि रोडीज का पहला राउंड होता है, जिसमें हम 10-15 हज़ार लोग, 5 हज़ार लोग लग लग के लाइन में जाते हैं। मेरा पहला GD1 का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था। मैं दिल्ली ही आया था पहली बार ऑडिशन देने के लिए, मैं उस टाइम 19 साल का था, और रियल हीरोज़ या रिवॉल्यूशन का ऑडिशन चल रहा था। मैं सुबह 8 बजे लगा था लाइन में, रात को 9 बजे मेरा नंबर आया, और जैसे मैं GD1 के अंदर घुसा, मेरे से इतना सवाल पूछा, अपने बारे में बताओ। मैंने बोला हाय माय नेम इज़ वाशिंग, बोला बैठ जाओ। बस अब मुझे उसके आगे समझ नहीं पाया क्यों। धीरे धीरे जब मुझे फिगर आउट किया कि मुझे लगा कि मैं ढंग से बात नहीं कर पाया, मैं ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट दिख रहा था, तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंस। आपको पता है कि आप वहाँ पर जा रहे हो और आपके साथ वहाँ कुछ भी हो सकता है और आपके साथ कुछ भी करा सकते हैं, तो यू हैव टू बी रेडी कि मुझे ये कर लूँगा। अगर नहीं भी आता है, मुझसे GD1 में इस साल मुझे कहा था कि डांस करो, आई एम बैड एट डांस, मुझे डांस उतने अच्छे से नहीं आता। अब उन्होंने डांस के फॉर्म भी देना स्टार्ट करे कि आप पहले बिहू डांस करो, फिर भांगड़ा करो, फिर ये करो, फिर भरतनाट्यम, मुझे ये सब में से कुछ नहीं पता। अपने हिसाब से मुझे जो लगा कि ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, मैंने अपने हिसाब से फन वे में कर दिया। मेरे लिए ये था कि आपने बोला मैं करूँगा, वो जैसा बोले वैसे वैसे करते जाओ और कॉन्फिडेंस रहो, एंड अपने आप को हमेशा तैयार रखो कि अगर मुझे यहाँ पर किया है तो मैं करके रहूँगा, ये चाहे कोई भी कितना भी बंदा आ जाए आपसे अच्छा। ऐसा नहीं है कि मुझसे बेटर बंदे नहीं होंगे, मुझसे ही बेटर थे वहाँ पर ऑडिशन देने आए थे जो, बट कहीं ना कहीं उन्हें एक चीज दिखता है, एक स्पार्क दिखता है कि कौन किसके अंदर कितनी भूख है। तो अगर आपके अंदर भूख है तो भाई रोडी बनने से ज्यादा जीतने से कोई नहीं रोक सकता। क्लैप करेंगे फॉर वासु गाइस। एंड ऐसा नहीं गाइस, रोडीज अगर एक बार बन गए ना, उसके बाद लाइफ जरूर चेंज होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो चलते ही रहेगी वैसी लाइफ।
रोडीज करने का, तो आपको ये भी देखना है कि आगे अब क्या करना है, तो उस चीज पे भी फोकस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो रोडीज करने के बाद आई थिंक 3-4 महीने होते हैं उसके बाद ठंडे हो जाते हैं। इस सीजन में भी बहुत लोग ऐसे थे कि जो अब ठंडे पड़ चुके हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता अब क्या करना है, तो वो चीज का भी माइंडसेट आगे लेके चलना बहुत जरूरी है। थैंक यू, थैंक यू वास्तु, आपने बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया कैसे अपनी जर्नी अपनी शुरुआत की है। वास्तु ये बताओ, जैसे कि ऑब्वियसली पहला जीडी राउंड में कुछ भी टॉपिक देते हैं, बात करना होता है, आपसे पूछा आपका नाम क्या है, तो पहले 2 साल आपने जीडी राउंड में क्या किया और आपको क्या लगा मेरा हुआ क्यों नहीं, क्या गलती हो गई? जैसे पहला जीडी ने मुझे, मैंने बताया कि मैं पहली बार देने गया था और उन्हें लगा कि मैं, मुझे खुद में लग रहा था कि बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट था कि मतलब मुझे खुद में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो मुझे लगा कि इस पे वर्क करता हूँ कि मैं अगर किसी में खड़ा हो रहा हूँ, कोई मेरे साथ 10 लोग है या 1 लोग है या मुझसे वो ग्राइंड करने वाला, तो मुझे रेडी रहना, तो उस चीज पे मैंने वर्क किया कि खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ाया अपना। फिर जब दूसरी बार किया, मेरा कॉन्फिडेंस तो अच्छा था बट कहीं ना मुझसे कोई बेटर लोग थे, कहीं कोई फिटनेस में या कोई मुझसे डिबेट नहीं कर पा रहा था मैं किसी से, या कोई एक छोटे ना छोटे पॉइंट्स निकाल लेते थे। इस साल में ऐसा था कि कोई कुछ भी करा है, हर चीज के लिए प्रिपेयर था मैं। और इस साल का अगर मैं सच बताऊं तो मेरा आज तक का सबसे लंबा जीडी वन चला था आज तक की रोडीज की हिस्ट्री का, जो कि था शायद 2.5 घंटे के राउंड कुछ था, जो कि किसी का आज तक नहीं चला था। आई डोंट नो व्हाई बट जजेस ने मुझसे हर चीज करा ली थी, जो मुझे नहीं भी आती थी और जो आती थी वो तो कराई ही कराई। क्लैप करेंगे यार, बहुत मेहनत से बंदे ने ये शो विन किया है। और वासु के भी पूछना है, जैसे ऑब्वियसली गाइस आप सबको नहीं पता तो मैं रोडीज का फॉर्मेट बता देता हूँ क्या होता है। जब भी उनके ऑडिशन टीवी में दिखते हैं, ऑनलाइन इंस्टाग्राम वगैरह पे डालते हैं, सबसे पहले वो एक ऑडिशन कंडक्ट करते हैं टॉप सिटीज में, चाहे दिल्ली हो चाहे बैंगलोर, यानी 4 सिटी या 5 सिटी में ऑडिशन होते हैं। और ऑडिशन में आपसे पहले ग्रुप डिस्कशन होता है जहाँ पे 20 बच्चे होंगे लाइन पे जो पहुंचते हैं, उन 20 बच्चों के को एक टॉपिक दे देते हैं कि भैया गे मैरिज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, अब आपस में बात करो। उसी में वो देखते हैं कौन कितना कॉन्फिडेंट है, क्या बोल रहा है, फिर वहीं से वो चुनते हैं कौन सबसे स्मार्ट है। ऑब्वियसली वासु को भी टाइम लग गया अपने आप की गलतियां जानने में, यार मैं 10 लोगों के सामने या तो बोल नहीं पा रहा हूँ या तो कहीं बॉडी में और कमी रहेगी बनाने में, हमसे ज्यादा स्मार्ट बंदे आए हुए हैं। तो 3 साल की मेहनत से फाइनली रोडीज की जर्नी में पहुंचे एंड एक विनर बने। आप भी अगर जो आप अपनी जर्नी आज शुरू करते हो सकता है क्या पता आप अगले साल रोडीज में आ जाओ या इसी साल आ जाओ या 2 साल बाद आ जाओ। बट वासु ये बताओ, अगर जो मान लो हम एक बार रोडीज में नहीं हो पाया हमारा, तो हमें क्या मेहनत अपने में करनी चाहिए छोड़ देनी चाहिए? यार देखो, मेरे साथ भी ऐसा होता, पहली बार करने के बाद मुझे पता था कि मैं क्यों नहीं हूँ क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस है। दूसरी बार मुझे ऐसा लगा कि क्यों यार, बट स्टिल दूसरी बार पूरा कॉन्फिडेंस था क्योंकि मैंने देखा है जो लोग किसी चीज में बेटर नहीं होते वो भी आगे तक पीआई तक जाते, तो मुझे ऐसा लगने लगा था क्यों नहीं हुआ। तो मेरे दिमाग में ये आ गया कि नहीं यार अब देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये क्वेश्चन आ गया था। बट स्टिल इस साल फिर ऑडिशन हुआ, जब ऑडिशन आने स्टार्ट हुए तो मैंने बोला छोड़ो यार, इतने सारे सपना देखा था, करते हैं करते हैं, तो मैंने वापस उसके लिए मेहनत करना स्टार्ट किया था। तो इस रोड इसकी जर्नी के पहले मैंने 3 महीने बहुत मेहनत करी थी कि मुझे पता है इस बार मैं करके रहूंगा, इस बार करके रहूंगा। एंड मैंने इस साल इतना मैनिफेस्ट कर लिया था, वो चीज़ को इतना मैनिफेस्ट कर लिया था कि वो हो गया। एंड एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक पॉइंट है जो मैं बोलना भूल गया था, अपनी बात में हमेशा अड़े रहना। बस एक चीज याद रखना कि उसका कोई नेगेटिव रेपुटेशन नहीं होना चाहिए कि कोई उसका कोई नेगेटिव निकाले। अगर आपको पता है कि इसका नेगेटिव नहीं हो सकता है तो आप अड़े रहो अपनी बात पे, अगर किसी ने वरना पेल दे रहा है उन्हें तो आपको बहुत खराब कभी कभी तो गालियां दे के निकालते हैं। ओए गाइस क्लैप कर लो भाई, भाई के लिए यार बहुत मेहनत से पहुंचे आपके साथ यहाँ पे। अब हम क्वेश्चन लेते हैं ये सारे भाइयों से जो आ रखे हैं, जिनको जाना है एक एक करके पूछो, कोई हाथ ऊपर करो जिसका कुछ भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू रोडीज। नेक्स्ट इधर आ जाओ, इधर पुशअप्स बिल्कुल, चलो आ जाओ, कम ऑन गाइस। कौन पहले 10 मार सकता है? ठीक है, ऐसा नहीं आनी तो नहीं चाहिए भाई, बता दे पहले, बता चक्कर आएगा, खाना ना खा लिया ना। तो क्लैप करें, 1 2 3 क्लैप एवरीवन। माय गॉड क्लैप फॉर वासु गाइस। देख मैंने बोला था ना जिस चीज में बेटर है उस चीज में अड़ जाओ। थैंक यू, जाएंगे है ना, चलो बहुत बढ़िया, क्लैप करेंगे गाइस, थैंक यू। और कभी ओवर कॉन्फिडेंट मत होना,
सर आपको एमटीवी रोडीज में आने का ख्याल कहाँ से? मैंने अभी बताया कि मैं बस टीवी पे देखता रहता था, तो मैंने प्रिंस भाई का सीजन पहली बार देखा, तो वहां से मुझे पता चला इस शो के बारे में, एंड उसके बाद मैं वो शो इतना पसंद आ गया कि मुझे लग गया कि ये मुझे करना। अब उस टाइम मैं कितने साल का था? 14-15 साल का। अब एक 14-15 साल के बच्चे के दिमाग में तुम कुछ डाल दो तो उस चीज को ग्रैब कर लेता है बहुत जल्दी, और फिर मेरे साथ भी सेम वही हुआ। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस बहुत खराब था, मतलब मुझे बहुत ही खराब था, मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ। ऑडिशन में जब आप गए थे तब आपको कैसा फील हुआ? यार जब ऑडिशन में गया था मुझे बहुत मजा आ रहा था, पर जब ऑडिशन के कमरे में गया ना पूरी फट चुकी थी उस टाइम तक। ऑडिशन तक लाइन में बाहर खड़े होते तक बहुत अच्छा था, बट जैसे अंदर घुसते हो ना और आपके सामने 14 लोग और बैठे, मतलब एक रूम में 15 लोग होते हैं, 14 लोग और बैठे आजू बाजू देख रहे एक दूसरे को, उस टाइम वो मोमेंट ना अलग ही हिट करता है। हाय रोडी से एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ ना लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं होता, वहाँ पर ऐसा नहीं। बहुत सी लड़कियाँ ऐसी भी आती है जो लड़कों को भी पछाड़ के रख देती है। इस साल भी कुछ लड़कियाँ ऐसी थी जो थोड़ी मस्कुलर थी, और कुछ ऐसी भी थी जो लीन थी, बट उनमें एक क्वालिटी थी कि और उनका जो कॉन्फिडेंस था, पहले बार तो कोई ओवर कॉन्फिडेंट नहीं था, देवर परफेक्ट फिट फॉर की कॉन्फिडेंस वाइज देवर परफेक्ट, बट उनकी जो स्ट्रेंथ वाइज थी या जो भी कोई डांसर था, कोई फिजिकल फिटनेस में ज़्यादा था, तो उन्होंने अपने जोन में दिखाया कि मैं ये करती हूँ और इस जोन में मैं बेस्ट हूँ, मुझसे बेटर अभी तक कोई नहीं आएगा, तो उन्होंने अपने जोन में बाकी सबको किल किया है। आप कहना चाहते हैं कि लड़की का भी बॉडी होना जरूरी? ऐसा जरूरी नहीं है। इस साल आपने रोडीज देखा, सबकी बॉडी थी, सब लड़की की, मेरे ख्याल से दो की थी, आशिका एंड नायरा करके थी, बाकियों की तो नॉर्मल फिजिकल फिटनेस, बट वो अपने लेवल पे जो वो करती है उसमें बेस्ट थी। अगर नहीं उनसे बेटर भी कोई होगा, लेकिन वहां पर अब वो बता रही कि मैं बेस्ट हूँ, अब मेरे से बेटर कोई नहीं, वो अपना बेस्ट दे रही है, वो अपना कॉन्फिडेंस है उसका, तो वो उसको आगे जाने में हेल्प करता है। सर जैसे आपने ये पूरा एक एमटीवी रोडीज का आपने सीजन किया, जीत गए आप, पर आपके जो घर मतलब फैमिली मेंबर्स थे या जो बाकी आपके रिलेटिव्स, क्या उन्होंने भी आपको ऐसे सपोर्ट किया कि अच्छा कर रहा है? यार मेरे फैमिली मेंबर और मेरे दो तीन फ्रेंड्स है, देख दुनिया में सबके बहुत 100 फ्रेंड्स होते, गिने चुने जो सच्चे होते हैं 2 या 3 ही होते हैं भाई। उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, इवन जर्नी में जाने के बाद भी मेरा ऐसा था कि यार अगर कोई मेरे पीछे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल कर रहा है, मेरा काम देख रहा है, तो वो मेरे 2-3 दोस्त ही थे और घर वाले, पूरा सपोर्ट किया उन्होंने। ऑडिशन से पहले का नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा की बात सुनने, क्या डिफरेंस आया सोच का, दुनिया को देखने का? लाइक टू बी ऑनेस्ट, जब मैं ऐसा कुछ नहीं, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आया, जो मैं पहले था वो मैं अभी हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एक ना शो कर लो उसके बाद अपनी पर्सनालिटी चेंज कर दो। मैं पहले भी एकदम रॉ था, अभी भी एकदम रॉ हूँ। और ये क्या कहते हैं, जैसे इसको एक्सपीरियंस करके, जैसे आपने इतना हार्ड वर्क किया, तो हम इससे हम क्या बोल दें, जैसे इतना एक्सपीरियंस किया आपने तो लाइक एक चीज है कि नेवर गिव अप। अगर आपने रोडीज साल का देखा है, मेरी स्टार्टिंग जर्नी उतनी अच्छी नहीं जा रही थी, पर मेरे दिमाग में यह था मैं रोडीज करने नहीं आया, रोडीज जीतने आया, तो वो मेरी मैनिफेस्टेशन थी कि मेरे साथ ना ऊपर वाला भी साथ था, कि इतना मैनिफेस्ट किया कि मुझे रोडीज जीतना है, तो मुझे आगे चल के फिर मुझे वो स्ट्रेंथ आई, जो भी आया मेरे दिमाग अचानक हिट हुआ कि नहीं नहीं मैं यहाँ जीतने आया था, तो एक चीज़ था कि मेरे अंदर था कि मैं कभी गिव अप नहीं करूँगा। अपने खुद को पहचानो, अपने अंदर क्या क्या चीज़ें सोच सकते हो, कि फिजिकल फिटनेस एक बेसिक फिटनेस ज़रूरी होती है, हमेशा बेसिक फिटनेस होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा फिटनेस कर लिया, बहुत अलग कर लिया, एक बेसिक फिटनेस, और ये ना चाहिए कि सामने अगर आपके सामने कोई बंदा खड़ा कर दे तो आप उससे बेटर क्यों हो, ये चीज़ आपको प्रूफ करना अपना पॉइंट है। माइक नहीं चला, चलो लाइट प्लग के पास मेरा कंपटीशन मुझे हमेशा खुद लगा है। मैंने ये रोडीज की बात नहीं है, ये लाइफ की बात है, कि लाइफ की जर्नी में से स्टार्टिंग से, जब मैं GD1 जब मैंने 2 साल पहले भी दिया तो मुझे पता है मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि तो मेरा कंपटीशन मैं ही हुआ एक तरह से, कि कोई और सेलेक्ट हो गया उससे मुझे मतलब ही नहीं है, मैं सेलेक्ट होने गया था, खुद सेलेक्ट नहीं हुआ, तो मुझे खुद पे बेटर करना था। सर रोडीज की जर्नी में मुझे ऐसा कोई नहीं लगा, मैं सच बोलूंगा होंगे अच्छे खासे फिटनेस वाले, बट मुझे ये पता था कि मुझे खुद पे बेटर करना है, तो मेरे लिए मेरा कॉम्पिटिशन हमेशा से ही मैं हूँ। जैसे ये सीजन आया ना, इसमें बहुत सारे वो फिजिकल फिटनेस भी आए, जैसे सीबीत है, हाँ, तो आपको लगा कि या मेरे से अच्छा कर सकता है या मेरे से? देखो रोडीज में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आपसे बेटर कर सकता है इस चीज में या आप उससे कम हो,
रोडीज में सब ऑलमोस्ट इक्वली होते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ टास्क नहीं कराएंगे कि ये बंदा नहीं कर सकता वो बंदा कर सकता है, ये इसका प्लस पॉइंट है, ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं रहेगा। तो सर आप जब प्रिंस सर की टीम में थे हाँ, तो पहले आप सारे टास्क हार रहे थे हाँ, तो जैसे आप रिया तो सारे टास्क आप जीतने लगे, ऐसा क्यों? मे भी इसलिए होता कि स्टार्टिंग में मेरे साथ ये था कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि रोडीज जर्नी में जब मैं जाऊँगा तो मेरा फर्स्ट टास्क में मुझसे गलती हो जाएगी, तो मुझे उस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया था। तो स्टार्टिंग में मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि शट ये क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया था। और हमारे गैंग में भी कहीं ना कहीं एक ना कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था अच्छे से, जिसकी वजह से चीज़ें बिगड़ रही थी। बट जैसे मैं गैंग छोड़ दी, मेरे लिए ये हो गया था कि गेम मेरे लिए अकेले की, अब कोई गैंग वैंग नहीं, मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं था कि रिया मैम प्रिंस भाई, मेरे लिए ये था कि मुझे खुद के लिए खेलना है, मैं खुद के लिए आया था। मैं इनके भी आपको ये पूछना चाहता हूँ कि ये क्या कर रहे हैं, आई मीन बॉडी बनाना क्या जरूरी है, कंपलसरी है रोडीज के लिए, यस और नो? नो, बॉडी बनाना जरूरी नहीं, क्योंकि आप देखते होंगे तीन चार बंदे होते होंगे जिनकी थोड़ी फिजिकल फिटनेस ज्यादा एक्स्ट्रा है, बाकी सबको देखोगे नॉर्मल है, लेकिन वो फिर भी रोडीज जर्नी में, क्योंकि उन्हें खुद सेल्फ बिलीव था और उनकी हंगर थी। प्रिंस भाई भी मुझे हमेशा एक चीज कहते थे, अगर तेरे अंदर हंगर है तो तू कुछ भी कर लेगा। एक और क्वेश्चन पूछना है, क्या वहाँ पे लुक मैटर करते हैं कि यार मैं बहुत गोरा चिट्टा हूँ, एकदम बहुत हॉट दिखता हूँ तभी सेलेक्ट होऊंगा? ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया लुक वाले एकदम प्रोफेशनल मॉडल, और रिजेक्ट होके गाली खा के चले जाते हैं। ठीक है, रीजन वो उनका लुक्स अच्छा है लेकिन बाकी पर्सनैलिटी बाकी चीजें नहीं होती है, या उनको ऐसा लगता है कि लुक है तो हमारा हो जाएगा, वो उनके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस है। लड़कियों के लिए भी आई मीन पूछना चाहेंगे, ऑब्वियसली बहुत सारी गर्ल्स हैं, जब गर्ल्स फर्स्ट टाइम जीडी में जाती हैं, ऑब्वियसली आपकी फ्रेंड्स रोडीज के फ्रेंड्स हैं, उनके एक्सपीरियंस आपको पता होंगे हाँ। तो गर्ल्स ऐसी कौन सी मिस्टेक ना करें जीडी राउंड में कि एटलीस्ट इनका सिलेक्शन हो जाए, एटलीस्ट पर्सनल इंटरव्यू के लिए क्या गलतियां ना करेंगे, एटलीस्ट दो तीन ऐसी? सो ऐसा कुछ नहीं कि गर्ल्स और बॉयज में वहां पर ऐसा कुछ किया जाता है, गर्ल्स बॉयज गर्ल्स वर्सेस बॉयज भी करा देते हैं, कभी कभी ऐसा भी करा सकते हैं कोई लड़की को किसी लड़की के साथ पंजा लड़ा दिया, और ऐसा होता है, मेरे सामने हुआ था, और उस लड़की ने पेल दिया उस बंदे को, एक्चुअली पेल दिया था, और उसको देख के लगा नहीं था, वो स्किनी थी, उसके आर्म्स ही पतले थे, बट शी वाज अ आर्म रेसलर, उसने बताया नहीं ये टैलेंट, उसने बोला कि मैं करके दिखाऊंगी, किसी भी लड़की को बुला दो मैं लड़के को भी हरा दूंगी लड़की को भी हरा दूंगी। वेरी गुड, सारी अगेन सारे बॉयज के लिए क्वेश्चन है, जैसे ऑब्वियसली इनमें से भी एक बंदा 14 इयर्स का है, ये कब ऑब्वियसली रोडीज में 18 प्लस ही जाते हैं, 17 16 को नहीं लेते वो लोग, तो जैसे इनकी एज 14 है, अभी 4 साल है रोडीज में जाने, तो क्या क्या प्रिपरेशन ये सारे बच्चे कर सकते हैं जो बिलो 18 है? अभी 18 वाले तो पता चल गया क्या करना है, बिलो 18 वाले अपनी जर्नी की प्लानिंग कैसे करें, सो दैट बाय द टाइम दे आर 18 ईयर ओल्ड और रोडीज में ऑडिशन में जाए और फाड़ के आ जाए, तो क्या 3-4 प्रिपरेशन अभी से करें ये लोग? जैसे आपने रोडीज देखना चालू किया था प्रिंस नरुला का शो, तब से आई थिंक 14 थे आप, और अब आपकी एज कितनी है, और कितने साल आपने मेहनत की ओवरऑल? मैंने कुछ अब मैंने 18 साल होने का वेट किया पहले, मैं उसके 3 साल पहले से देख रहा था रोडीज, और मैं वेट कर रहा था कब मैं 18 कहूँगा, कब मैं जाऊँगा रोडीज में, तो मुझे उस टाइम से एक हंगर थी मुझे करना है, तो एक वो बहुत ज़रूरी होता है। अब जो बाकी चीज़ें जो आप वर्क कर सकते हो, मैंने फिटनेस पे वर्क किया, जितना मैंने खुद पे एक्सपीरियंस किया खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से, बेसिक फिटनेस पे वर्क करना चाहिए, कि रोडीज में ऐसा कुछ नहीं होगा कि कोई बंदा बहुत ज़्यादा फिट है कोई बंदा नॉर्मल फिट है तो उनके बीच अलग अलग ऐसा कुछ करा देंगे कि वो सामने जीत जाए, ऐसा टास्क करेंगे दोनों में से कोई भी जीत सकता है, तो एक बेसिक फिटनेस होनी चाहिए, एक बेसिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि अगर कभी कुछ ऐसा पूछ लिया क्वेश्चन वाले राउंड या कुछ ऐसा या डिबेट करा दिया तो आप अपना टॉपिक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो, सबसे ज़रूरी चीज़ है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना रोडीज में, चाहे कोई कुछ बोल रहा हो अगर आपको लग रहा है कि आप सही हो तो आपको उस पॉइंट पर टिके रहना है, एक चीज पे स्टिक होना बहुत जरूरी है। सो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो भी हमारा जिससे भी हमारा कंपटीशन होता है उसको पता है कि ये बंदा किस चीज में परफेक्ट है, अगर डांस का हो रहा है तो उसको पता है ये डांस में परफेक्ट है, किसी तो को पता कैसे है? लाइक मैं एक क्वेश्चन थी, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब बंदे को पता है कि बंदा हर चीज में परफेक्ट है तो उसको इमोशनली खरीदना चालू कर देता है, तो वो पॉइंट पे हम खुद को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, अगर हर चीज में फिट और उसको पता है कहीं ना कहीं कि मैं इससे लड़ूंगा ये लड़ाई कर लेगा बट उसको पता है कि इसकी वीकनेस इमोशनल है, तो उस पॉइंट पे हम खुद को कैसे स्ट्रॉन्ग रखें? तो वही चीज होता है कि अगर आपने फिजिकली पूरा वर्क कर लिया खुद पे पूरा ये सब चीजें वर्क कर लिया लेकिन इमोशनली खुद पे वर्क नहीं कर पाया तो वो पॉइंट तो वो निकाल ही रहते हैं, जजेस रहते हैं वहां पर या जो भी कोऑर्डिनेटर रहता है जो आपको ऑडिशन ले रहा होता है,
तो उसको तो पता है कि आपको इस चीज़ में बेस्ट हो। जैसे मेरे साथ देखे था, मैं इमोशनली स्टार्टिंग में थोड़ा सा वैसा इमोशनली वीक था, बट इस सीजन मुझे था कि मुझे अपने अंदर मेंटली बैठाना है कि कोई कुछ भी बोले मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ना है। अपने दिमाग में डालो कि कोई कुछ भी बोले मुझे फर्क नहीं पड़ना है। वो चीज़ अगर डाले तो इमोशनली भी आप स्ट्रांग रहोगे। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ऐसी आपकी कौन सी स्किल है जिसको आपको इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, जिसको मतलब आपको लगा आप कि हाँ मेरे को इस चीज़ में अपने स्किल इंप्रूव करने की जरूरत है, तो वो कौन सी स्किल है? लाइक मुझे सबसे ज़्यादा खुद में ऐसा लगा कि मुझे, मैं थोड़ा इमोशनल टाइप का था, मुझे खुद में मेंटली थोड़ा सा खुद को स्ट्रॉन्ग करने में थोड़ा सा टाइम लगा था उसमें। कि लाइक मेरे साथ ऐसा था कि मुझे पता मैं फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, फिजिकली मुझे पता है कि अगर कोई आएगा तो मैं पेल दूंगा उस चीज़ में। बट ऐसा था कि चलो टास्क हो गया मैं कर लूँगा, बट कभी कुछ ऐसा हो गया कि एक मेंटल प्रेशर वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है रोडीज़ में। रोडीज़ में अगर 30 दिन की जर्नी है, 30 दिन आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहोगे, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल वोट आउट हो सकते हो, कल कुछ भी हो सकता है, कल पता नहीं आप हो नहीं हो जर्नी में। तो उस चीज़ का ना आपको दिमाग में रहना कि कल कुछ भी हो सकता है, उसके लिए आपको इमोशन मेंटली बहुत ज़्यादा वो प्रिपेयर रहेगा। तो मैंने अपने को खुद को मेंटली प्रिपेयर किया उस चीज़ को, कि खुद में माइंडसेट बढ़ाया। मेंटल प्रिपरेशन की कोई एक्सरसाइज नहीं होती है, ये खुद में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना होता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ, मेरे सामने कोई आएगा तो मुझे क्या करना है। हाँ कुछ मैं खुद ही रैपिड फायर क्वेश्चन पूछता हूँ वासु भाई से, सो दैट आपको भी थोड़ा आइडिया रहेगा वासु के बारे में। और वासु, सारे गैंग लीडर्स में से आपका फेवरेट कौन है, क्या लगता है कौन होगा? ऑफ कोर्स ग्रेट, सो गाइस प्रिंस इनके फेवरेट हैं। बाय द वे आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है बॉलीवुड में? लाइक फेवरेट में तृप्ति डिमरी। क्या बात है बॉस, ऑब्वियसली गाइस, क्योंकि आई थिंक आजकल काफी ट्रेंडिंग में है, टॉक ऑफ द टाउन दीस डेज, ऑब्वियसली वो तो सबकी फेवरेट है। और ये बताओ बॉलीवुड में एक्टर कौन पसंद है आपको? रणबीर कपूर। क्या बात है, खा गया बॉलीवुड उसने तो। और ये जानना चाहेंगे कौन सा आपका यूट्यूबर फेवरेट है? YouTube में एक ही यार, एल्विश भाई। बात है, एल्विश भाई के लिए क्लैप। भाई के आगे कोई बोल सकता है? एक बार एल्विश भाई के लिए क्लैप कर दो यार सब लोग। और रील्स वगैरह में कोई मेल या फीमेल जो रील्स बहुत अच्छा बनाती है आपके हिसाब से, दिखाओ। लाइक मुझे सिद्धार्थ के रील्स काफी अच्छे लगते हैं। निगम, सिद्धार्थ निगम, क्लैप कर लेंगे यार सिद्धार्थ निगम। व्हाट इज द की ऑफ सक्सेस बिहाइंड योर सक्सेस? Every sacrifices which you had done, and what are the mindset which are you made for it? So, सबसे पहले तो मेरी manifestation, मैं हर चीज manifest बहुत दिल से मैनिफेस्ट करता हूँ, और दूसरी चीज मैं कभी गिव अप नहीं करता, कभी गिव अप नहीं करता। क्लैप कर देंगे यार, 11वीं बार उठूंगा गिव अप नहीं करने का। हेलो सर। हाय सर, मुझे बस इतना जानना है कि जब भी आपको रेडीज में डर लगा, आपने किसको याद किया? मैंने मम्मी और भगवान, सिर्फ दो लोगों को। थैंक यू सर, थैंक यू। हाय सर। हाय भाई, मेरा एक ही क्वेश्चन था कि रोडीज मैंने पहला ही है, पहला रोडीज है जो मैंने पूरा देखा है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरा भी मन किया रोडीज जाने का, बट मेरे को प्रोसीजर नहीं पता जाना कैसे है। सिंपल है प्रोसीजर, जब भी ऑडिशन होते टीवी पे दिखा देता कब से होने वाले, अपना जहाँ पर लोकेशन पे ऑडिशन हो रहा है वहाँ सुबह से मुँह उठा के पहुँच जाओ, बिना नहाए धोए अपना मुँह उठा के पहुँच जाओ। मैं भी ऐसे ही किया था, मैं कोई ये सोच के नहीं कहता कि एकदम तैयार वैयार होके नहा धो के जाऊँगा। सुबह ऑडिशन है, सुबह उठा, चाय पिया, पहुँच गया ऑडिशन की लाइन में सुबह 6 बजे। अब जब नंबर आएगा तुम्हारा, GD1 तुम्हारा होगा, अब GD1 अगर तुम्हारा क्लियर हो गया तो तुमको रात को 12-1 बजे तक कॉल आ जाता है GD2 के लिए, जो कि नेक्स्ट डे ही होता है। अब GD2 में होते हैं 50 लोग 75 लोग, और एक रूम में वहाँ भी होते हैं 15 लोग, और वहाँ आपके साथ पूरा मेन क्रू होता है जो आपका ऑडिशन लेता है। वहाँ से आपको क्लियर करते हैं कि आप PI में जाओगे कि नहीं। अब PI के लिए आपको नेक्स्ट डे कॉल आ जाता है अगर आप सेलेक्ट होते हो तो। ठीक है, हाँ। सो सिंपल दो ही प्रोसेस है, GD1, GD2 एंड देन PI। हाय भाई। हाय। मैं आप विनर जब से बने थे, जब से मेरा सोच ही लिया था कि वासु सर से मिलना है, और आज मेरा थैंक यू सच हो गया। थैंक यू। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने प्रिंस सर की टीम क्यों ज्वाइन की? लाइक प्रिंस भाई की टीम मैंने सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मैंने प्रिंस भाई से ही इंस्पायर होकर रोडीज के बारे में सोचा था। तो सिंपल था कि कभी भी जाना है तो प्रिंस भाई के साथ ही जाना है। और मेरे को आपका वो थम वाला डीप से पसंद आया था, एक बार आप करके दिखा सकते? थम वाला? हाँ। चलो ठीक है, मैं करने की ट्राई कर रही थी पर मेरे एक बार फिर से ट्राई करेगा आज नहीं होगा चल मेरे साथ ट्राई कर
क्लैप कर देंगे एवरीवन, 1 2 3 क्लैप एवरीवन, रेडी क्लैप एवरीवन वंस अगेन। सो मुझे पता था कि मुझे ये चीज में कोई नहीं हरा सकती, इसलिए मैं था कि आ जाओ कोई भी आ जाओ, देखते हैं कौन बेस्ट है। तो इस चीज के लिए मुझे पता था कि मैं ये, मेरे अंदर एक ऐसी स्किल थी कि जो कोई नहीं कर पाएगा, और मैं ये हमेशा बोलता था वहाँ रोडीज में, तो शायद मे भी ये चीज मुझे आगे ले जाने में हेल्प करी थी। थैंक यू सर। एक्चुअली ना मेरे को बस एक प्रॉब्लम आ रही है कि हर बार ऑडिशन ना ठंड में होता है और सुबह उठा नहीं जाता तो इसका कोई सॉल्यूशन निकल सकता है भाई? लास्ट ईयर ठंड में नहीं हुआ? अच्छा नहीं, लास्ट ईयर फिर मुझे पता भी नहीं चला ना ये भी सही है। तो वासु भाई मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे कि मैं हर साल जाता हूँ ऑडिशन देता हूँ, अब तो शादी होगी, बच्चे हो गए, हम बूढ़े होने वाले हैं, बट एक होता है ना जो मोटिवेशन, हम लाइन में जब लगते हैं, जैसे मैं तो गंदी सी शक्ल का हूँ, मेरे सामने 6-7 फुट के बंदे जो हट्टे कट्टे पर्सनैलिटी वाले होते हैं, तो हम वहाँ पहुँचते पहुँचते भी ना हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे कि मेरे आगे का 7 फुट का बंदा खड़ा है, तो मैं सोचूंगा यार मैं PI में जाके क्या करूंगा, तो वहीं जा करके बंदे डर जाते, तो वहाँ क्या करना चाहिए? तो वही बात है, आपने PI तक की सोच ली, आपको ये सोच रहे GD1 पहले कैसे क्लियर करूँ, और GD1 में आपको पता है, आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि वहाँ पर मेरे से बहुत बेटर लोग आएंगे, मेरे से लंबे चौड़े हट्टे कट्टे आएंगे, लेकिन आप किस चीज में बेस्ट हो वो आपको फिगर आउट कर रहा है ना। अगर वो बोल रहे, क्योंकि उस बंदे को पता है वो किस चीज में बेस्ट है, अगर वो कोई पहलवान जैसा लंबा चौड़ा बंदा है तो उसको पता है कि वो कुश्ती में कोई भी आ जाएगा हरा देगा, लेकिन उसको पता है। और अगर उसको आपको पता है कि आप किसी चीज में, आप डिबेट करने में, आप बातें करने में उससे ज्यादा तेज हो, तो उसको बोलो कि भाई किसी भी बंदे को मेरे सामने बुला लो, जजेस को बोलो किसी भी बंदे को मेरे सामने बुला लो, किसी को भी बातों में भिड़ा दो, मैं उसको हरा दूंगा, पेल दूंगा। तो मुझे अब ट्राई, चाहे वो पहलवान हो चाहे वो कोई भी हो, तो मुझे अब नेक्स्ट टाइम ट्राई करना चाहिए? बिल्कुल भाई, कभी भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। अगर आपको हंगर है ना, भूख है ना, हो जाएगा, वो दिखना चाहिए जजेस को। मोटिवेशन थोड़ी सी मेरी बढ़ गई है, सो थैंक यू सो मच। और ये किसी को बोल के बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे रोडीज की भूख है, मुझे हंगर है, वो दिख जाती है जब सामने जज होता है तो। नहीं, शाम तक भूख मिट भी जाती है तो वो हंगर रहनी चाहिए, मिटनी नहीं चाहिए। जैसा कि अभी आपने बताया ना कि मैं ऑडिशन में जस्ट बैठा था और वो बस इन्होंने इतना पूछा कि व्हाट्स योर नेम या टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो हम वहीं पे ना अटक जाते हैं, अटक जाते हैं। अच्छा बस यही पूछ लिया, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेंगे ये तो वो आधे से ज्यादा बंदे तो बोलना नहीं चाहिए, वैसे वो थोड़े से ज्यादा ही होते हैं, बट हम जैसे जो नॉर्मल फैमिली से बंदे आते हैं ना, वो आधे से ज्यादा बंदे वहाँ डीमोटिवेट हो जाते हैं। यार मैं भी नॉर्मल फैमिली से हूँ, मैं भी मिडिल क्लास से फैमिली से ही हूँ, एंड ऐसा कुछ नहीं था स्टार्टिंग में, फर्स्ट ईयर मैं भी थोड़ा डीमोटिवेट हुआ था, बट फिर मुझे था कि एक बार और ट्राई कर लूंगा, दो बार और ट्राई कर लूंगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अब जब मैंने दूसरी बार ट्राई किया, तब मुझे थोड़ा सा लगा कि दिस वॉज वे मोर बेटर देन फर्स्ट टाइम जब मैंने ट्राई किया, तो मुझे लगा कि मुझे बहुत इंप्रूवमेंट हुई है, क्योंकि फर्स्ट बार टाइम हुआ था मेरा 3-4 सेकंड मेरा हुआ था ऑडिशन, जिसमें सिर्फ नाम पूछ के बैठा दिया। दूसरी बार जब हुआ था, मेरा पता नहीं मुझे क्यों नहीं हुआ था कि उन्हें कुछ कमी दिखी थी, लेकिन वो कम से कम 20 मिनट मेरा ऑडिशन चला था, तो 2 सेकंड से 20 मिनट में आया, क्या पता 20 मिनट के बाद अब मैं और बेटर करूँ अपने पे, तो फिर वो शायद आगे चल के हो जाए, जो कि हो गया। बट सर मेरे को ऐसा रियलिटी में फील होता है कि इसमें लक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यार आई थिंक मेहनत बहुत ज्यादा जरूरी है, मेहनत के साथ अगर आप मेहनत करोगे तो लक आपका साथ देगा। सर मेहनत ही कर रहा था, सुबह 4:30 बजे उठ करके ऑडिशन देके जाना, हम जैसों के लिए तो वही, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा है। एक बात बोलो, 4 बजे उठ के एक बार आप गए थे 4:30 बजे उठ के, आपके साथ 5,000 लोग और भी गए थे। नहीं सर, दिक्कत वही आती है ना, वो 5,000 तो पहुंच जाते हैं। अब जैसे मैं ऑडिशन जब दे रहा था, तो वहाँ उन्होंने एक बकेट बना रखी थी और उन्होंने बोला उसमें सर उल्टा डाल दो। हाँ, अब डाल तो दो, ये नहीं बताया निकालना कब है। अब मैं डाल के अंदर यूं कर रहा हूँ, निकालना कब, जब निकाल रहा हूँ तो कह रहे आप हार गए, तो फिर वो चीज, ये चीज आप, वो तो आप कोई बताएगा नहीं ना कि उसकी क्या स्किल है। अब आप मेरे सामने खड़े हो, मैं तो नॉर्मल सा बंदा हूँ, अब मैं बताऊंगा नहीं मैं किस चीज में बेटर हूँ। अब वहां पर से आपका ऑडिशन ले रहे हैं जजेस, फिर जब जज कराना स्टार्ट करें, मैं बोलूंगा किसी भी चीज़ में मुझे किसी तो एक भिड़ा दो, मैं उससे जीत जाऊंगा। अब आप इनटू से कि ये फेक नहीं है, ये रियलिटी शो, रियल ही है, रियल है। ओके, नेक्स्ट टाइम फेक होता तो मेरे ऐसा मिडिल क्लास वहां तक नहीं पहुंचता। क्लैप फॉर वासु गाइस। कौन है और सबसे सॉफ्ट कौन है? इस साल तो तीन थे, तो सबसे खतरनाक प्रिंस भाई एंड सबसे सॉफ्ट भी सॉफ्ट प्रिंस भाई है। सोनू सूद तो ग्रैंड जज थे यार, वो तो जजों के जज है। And what about Gautam Gulati?
गौतम सर ऐसा था कि उनका पहला एक्सपीरियंस था एंड कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत अच्छा किया वहाँ पर आके, मतलब लोगों को जो एक्सपेक्ट नहीं था कि गौतम सर ऐसा कुछ कर जाएंगे कि ऐसा खेल जाएंगे कि फिनाले तक पहुँच जाएंगे, लोगों को लगा नहीं, लेकिन वो था कि गौतम सर को ये था कि मुझे फिनाले पहुँचना है, मेरे बंदा होना चाहिए फिनाले, और सबसे पहले उन्हीं का बंदा पहुँचा। एक और क्वेश्चन पूछना है, रोडीज में क्या हम पैसे दे के एंट्री ले सकते हैं? भाई ऐसा होता ना, मैं आज जो 2 साल पहले कह रहा होता उसी टाइम कर लिया होता। और ये भी आप बताओ, क्या रोडीज में जाने के लिए अमीर या गरीब होना पड़ता है, ऐसा कुछ है सीन? नहीं भाई बिल्कुल नहीं, एनीवन कैन गो। और लास्ट क्वेश्चन सिर्फ सबकी तरफ से यही है, ऑब्वियसली सारे बच्चे हैं कुछ ना कुछ लाइफ में अपने ट्राई कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, ऑब्वियसली आप रोडीज शो जीते हैं एक बड़ा सा, आगे का क्या प्लान है? आई मीन रोडीज तो जीत लिया जो चाह रहे थे, 4-5 साल की मेहनत रंग लाई, what is the next plan, what you are planning next? Like मैं अभी भी बहुत मेहनत करता हूँ, उतनी ही मेहनत करता हूँ जितना मैं रूडीज के पहले रूडीज में आने के लिए करता था, तो मुझे खुद में लगता है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो मुझे आगे चल के और भी अपॉर्चुनिटीज देते रहेगी लाइफ में, और भी शोज आएंगे, और भी काम आएगा, सो मैं उस चीज़ पर हमेशा वर्क कर रहा हूँ, कभी रुकना नहीं अपना काम, मेहनत रुकनी नहीं चाहिए। और सेलिब्रिटी फेस में आके कैसा लगा ये बताओ आप? सेलिब्रिटी फेस में आना भी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी था, कुछ साल पहले मैं भी यहाँ पर, मैंने भी एक बार अप्लाई किया था जो कि मैं आ नहीं पाया था, इट वॉज शूट विद प्रियांक भाई, एंड मैंने अप्लाई किया था और मैं आ नहीं पाया था किसी वजह से, तो मुझे ऐसा लग रहा कि शिट उस टाइम मैं यहाँ पर आना चाहता था किसी और के साथ, और आज मेरे मैं आया हूँ यहाँ पर एज अ गेस्ट बन। क्लैप कर लो यार, बड़ी मेहनत से बंदा पहुँचा है, लाइफ में हर चीज आसान नहीं होती, एंड ऐसे ही बहुत सारे गेस्ट हमारे आ चुके हैं किसी ना किसी का शो देख के, लाइक तुषार सिलावत, अरियांशी, और आई एम डैम श्योर आप भी आए हो तो आगे चल के आप भी ऐसा सेलिब्रिटी गेस्ट बन के आओगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइस एवरीवन। आई लव रोडीज।